गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हम लोग बात कर रहे थे किसकी, गुलाम सलाम का वेक्टर फॉर्म है ना। और शायद यहाँ तक हम लोग क्लियर थे, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए किसी प्लेन में दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और दूसरा चार्ज कुछ Q2। तो पहला काम हम इनका क्या निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर। फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट से मान लें Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर कुछ R2। तो अब अगर हम Q1 और Q2 को आपस में मिलाएं तो दो तरह से मिला सकते हैं, तो आप Q1 से Q2 जा सकते हो या Q2 से Q1। तो जो भी मिलाओगे, जो वेक्टर मिलेगा वो कहलाएगा क्या, विस्थापन सदिश। तो जैसे हमने Q1 से Q2 को मिलाया, विस्थापन सदिश क्या हो गया, R12 का मतलब पहले दूसरे आवेश का विस्थापन सदिश। और उसी तरह से Q2 को Q1 से मिलाया तो विस्थापन सदिश R21, और R21 का मतलब दूसरे आवेश से पहले आवेश का विस्थापन सदिश। तो अब देखो दूसरी चीज, चाहे दूरी मापो Q1 से Q2 की और चाहे Q2 से Q1 की, दूरियां दोनों बराबर होंगी, तो इसका मतलब दोनों विस्थापन सदिशों के परिमाण आपस में क्या है, बराबर। और डायग्राम में दिख रहा है, देखो यहां पे R12 की डायरेक्शन Q1 से Q2 है, R21 की डायरेक्शन Q2 से Q1। तो इसका मतलब दोनों विस्थापन सदिश एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत, ठीक। और विपरीत सदिशों में हम हमेशा नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। तो हमें वेक्टर फॉर्म बनाना है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या आएगा, वेक्टर फॉर्म में आएगा कि एक Q1 बल लगाएगा Q2 पे और एक Q2 बल लगाएगा Q1 पे। तो सबसे पहला काम हमने निकाला कि Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल, और फार्मूला जो कूलाम सलाम पढ़े हो, E1 to 1/4 pi E0 k, किसी मीडियम में रखे हो वो मान सकते हो आप k है, और फिर Q1 Q2 मोड ऑफ R12 का स्क्वायर। अब देखो ये फार्मूले, जो फार्मूला अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ये हमको केवल बताएगा क्या, परिमाण, और हमें कौन सा रूप बनाना है, सदिश। सदिश रूप का मतलब हमें इसमें दिशा लानी है, और दिशा हम लाते कैसे हैं, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि किसी भी परिमाण में एकांक सदिश का अगर हम गुणा कर दें तो वो परिमाण किसमें बदल जाता है, सदिश रूप में। वही काम हमें यहाँ करना है। तो अब क्या कह रहा है, किससे ले रहे हैं, 1 और 2 से ले रहे हैं, तो R12 के एकांक सदिश का क्या कर दें, गुणा, यहाँ हो गया। इसके बाद जो लोग माइक ऑन रखे हैं वो ऑफ कर लें, पहला काम। सब लोग ऑडियो म्यूट करो, आस्था चौरसिया, गैलेक्सी J8, ये दोनों लोग अपना माइक म्यूट करो, ऑडियो म्यूट करो बेटा सब दोनों लोग। आवाज सुनाई दे बस मेरी। तो हमने क्या किया कि इसके मापांक परिमाण में यूनिट वेक्टर का मल्टीपल कर दिया, तो मल्टीपल करने के बाद ये किस में बदल गया, सदिश रूप में। अब तरीका क्या है हमारे पास, हम एकांक सदिश निकालते हैं यूनिट वेक्टर ए, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो R12 का निकालें तो ये बन गया, और ये वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, स्क्वायर की जगह क्या हो गया, क्यू। इतना प्रोसेस हम लोग कल किए थे। अब इसके बाद ये तो हो गया पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर आरोपित बल, अब इसी तरह से दूसरा आवेश भी पहले पर क्या आरोपित करेगा, बल। हमें उस बल का पता लगाना है, तो यहां भी लिख सकते हैं कि इसी प्रकार Q2 आवेश के द्वारा Q1 पर आरोपित बल, अगर वो निकाला जाए तो फॉर्मूला क्या बना, F21। जैसे Q1 ने Q2 पे लगाया, F12 बना, अब Q2 ने Q1 पे लगाना है तो क्या बनेगा, F21। उसके लिए फॉर्मूला क्या बना, 1/4 pi E0 k, और Q1 by, अब दूरी लेंगे किससे, Q2 की Q1 से, और Q2 की Q1 से दूरी है R21 के मॉड,
ये दूरी हो गई, उसका स्क्वायर करना। अब ये फार्मूला आपको क्या बताएगा, केवल और केवल मापांक। हमें क्या चाहिए, मापांक के साथ साथ हमारे पास दिशा भी होनी चाहिए। तो दिशा हम कैसे निकालेंगे, तो दिशा निकालने का तरीका क्या हुआ कि हम इसी परिमाण में 2n के एकांक सदिश का क्या कर दें, गुणा। तो सेम वही तरीका जो हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। पहले क्या यूज किए हैं कि यूनिट वेक्टर r 2n के लिए फार्मूला बना, वेक्टर r 2n अपॉन मॉड ऑफ r 2n बनेगा, और इसको हम यहां पे रख दें। और इसको जब आप रखोगे f 2n 1/4πε0k q1 और q2, चाहे q2 into q1 करो और चाहे q1 into q2 करो, अपॉन मॉड ऑफ r 2n का q और वेक्टर r 2n। ये हो गया q2 आवेश के द्वारा q1 पर आरोपित बल। तो हमें दोनों निकल आए, ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म, दोनों निकल आए, ये आपका क्या हो गया वेक्टर फॉर्म सदिश रूप। तो जब सदिश रूप आ गया तो अब हम देखें इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है या नहीं, हम उस रिलेशन को ऑब्टेन करें कि F12 और F21 के बीच रिलेशन क्या होगा। तो देखो उसके लिए हम लोगों ने कल यहीं पे यूज किया था, अब हमें रिलेशन बनाना है इसी को लेके। तो कल हमने यहीं पे यूज किया था कि लिखते हैं R21 बराबर माइनस वेक्टर R12, कल यूज किए थे, इसी को हम यहां पे यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, इसी को क्या वेक्टर R21 बराबर माइनस R12। तो देखो अब आपका बना क्या F21 इक्वल टू माइनस 1/4πε0k q1 q2 बाई। अब वो दोनों के मॉड तो बराबर है, चाहे मॉड R21 लिखो चाहे मॉड R12 लिखो, तो हम यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार R12 के मॉड का क्यूब लिख देते हैं। अब यहाँ कौन था, R21 था, और 21 को हमें बदलना है 12 में, तो माइनस साइन हम पहले लगा चुके हैं। अब ये देखो किसकी वैल्यू हो गई F12 की, तो देखो F21 बराबर माइनस F12, इसका मतलब F12 प्लस F21 दैट्स इक्वल टू 0। इसी को कहते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ एक्शन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि वैद्युत बल क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, और क्रिया प्रतिक्रिया का मतलब पहला आवेश जितना बल दूसरे पे लगाए दूसरा आवेश उतना ही, किंतु विपरीत बल किस पे लगाए, दूसरे पे, तो उसे हम कहते हैं एक्शन रिएक्शन। यहां लिख सकते हैं यही क्रिया प्रतिक्रिया का, प्रतिक्रिया का नियम नियम है। तो इसका मतलब वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश या वैद्युत बल केवल क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करेगा। क्रिया प्रतिक्रिया, पहला आवेश जितना बल दूसरे पे लगाएगा दूसरा आवेश उतना ही बल पहले पर लगाएगा, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, परस्पर विपरीत। तो ये बात हो गई किसकी, कूलम्स लॉ के सदिश रूप की। अब इसके बाद हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस। सारी चीजें हो गई, कूलम्स लॉ क्या होता है वो हमने पढ़ाया, कूलम्स लॉ की विशेषताएं क्या होती है वो हमने पढ़ाया, कूलम्स लॉ पे न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं बहुत सारी टाइप्स बताए गए, फिर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है उसको डिस्कस करा गया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं लिमिटेशन से क्या क्या होती है। मॉड ऑफ R1 R है
क्यूब होगा क्योंकि एकांक सदिश को हमने वेक्टर में बदला है ना। यूनिट वेक्टर को वेक्टर में बदलोगे तो वेक्टर आर अपान मॉड होता है, और जब मॉड लगाओगे तो स्क्वायर से हो जाएगा क्यूब। इसको समझना है अभी, वेक्टर पढ़े हो और नहीं यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। वेक्टर अगर पढ़े हो तो हम इसको अगर यहाँ एकांक सदिश लगा हुआ है और उस एकांक सदिश को सदिश में बदलना है तो एकांक सदिश के लिए फार्मूला यही होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। और जब यहाँ स्क्वायर था और इसका मॉड एक और लोगे तो वो हो जाएगा क्या स्क्वायर और वन, क्या बन गया क्यूब जो पहले है। नहीं अलेवन का वेक्टर देख लेना, एकांक सदिश हम कैसे पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं तो वो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके और माइक ऑफ रखो। तो ये हो गई बात किसकी, ये हो गई बात कूलॉम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की। अब इसके बाद बात करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ कि कूलॉम्ब के नियम की सीमाएं। हो गया लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्ब्स लॉ, कूलॉम्ब्स लॉ लिमिटेशंस क्या है। देखो मेनली दो ही लिमिटेशंस होती हैं कि पहली चीज ऑलवेज एक्ट्स एक्ट्स फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलॉम्ब का नियम हमेशा बिंदु आवेशों पर ही लागू होगा। बिंदु आवेश का मतलब यहां क्या हुआ, तो बिंदु आवेश का मतलब यहां हुआ किससे, जो स्फेरिकल शेप के हो, किस शेप के हो, या तो पॉइंटेड हो या तो स्फेरिकल हो, ऐसे चार्जों पे हम कूलॉम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते। जैसे कोई लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज मान लो ये एक पैसा आवेश हो गया रेखी, एक कोई अनडिटरमिनेंट शेप का चार्ज है मान लो ये अनियमित आकार का आवेश हो गया, तो इन सब पर कभी भी कूलॉम्ब का नियम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनमें जो आवेशों का वितरण होता है वो सतत नहीं होता, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज जो होता है ये कंटिन्यूअस नहीं होता, और कंटिन्यूअस जब तक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस नहीं होगा कूलॉम्ब्स लॉ एक्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग अभी दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसमें हम छोटे छोटे सेगमेंट्स इंटरसेक्ट करेंगे और फिर पहले एक सेगमेंट के लिए निकालेंगे उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वो प्रोसेस अभी आएगा कि अनियमित आवेश है या सतत वितरित आवेश है तो उसके लिए हम कैसे ऑब्टेन करेंगे बल या वैद्युत क्षेत्र, तो अभी इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। दूसरी चीज पहली तो होगी ये काम किसके लिए करेगा, केवल बिंदु आवेश। बिंदु आवेश में कौन, या तो बिंदुवत हो और या तो गोलाकार हो, इनके अलावा किसी दूसरे आवेश पर ये कभी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट दूसरी चीज ऑलवेज एक्ट्स एक्ट्स फॉर रेस्ट चार्जेस, हमेशा ये केवल और केवल विराम में आवेश होंगे तभी कूलॉम्ब का नियम आरोपित होगा, अदरवाइज वो गति की अवस्था में हो तब यहां पर कूलॉम्ब का नियम लागू नहीं होगा। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर दोनों आवेश गति की अवस्था में एक जगह लागू होगा, कब, जब दोनों समान चाल से चले। अगर किसी दो बिंदु आवेश रख लिए जाए यहां एक आपका Q1 एक आपका Q2 दोनों एक नियत चाल से चले,
मतलब किस डिब्बे में बंद कर दो, दो आवेश विरार में हो और डिब्बे को लेके गत कराओ, तब वहां कूलम्ब का नियम लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष कहां प्रतीत होंगे? विरार में। तो अगर दोनों आवेश नियत चाल से चलते हैं या दोनों आवेश स्थिर अवस्था में हैं, तभी वहां पे कूलम्ब का नियम लागू होगा, अन्यथा कूलम्ब का नियम कहीं पर भी लागू नहीं होगा। मतलब कि अगर कूलम्ब के नियम के अनुसार आवेश कहां चले जाए? गत की अवस्था में, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कभी भी कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा। ठीक, ये हो गई कूलम्ब के नियम की सीमाएं। क्या लिमिटेशन है? दो लिमिटेशन है आपके पास। कौन कौन सी? एक तो हमेशा काम किस पर करेगा? बिंदु आवेशों पर। और बिंदु आवेशों में क्या आएंगे? बिंदु आवेशों में आवेश की ज्यामिति बिंदुवत हो या आवेश कैसे किस शेप का हो, स्फेरिकल। इसके अलावा कोई आवेश किसी अन्य ज्यामिति का है तो वहां पर कूलम्ब का नियम लागू नहीं होगा। तो वहां कैसे करेंगे, प्रश्न ये भी बनता है, तो उसके लिए हम इसी सेक्शन में आगे बात करेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा, ऑलवेज एक्ट फॉर रेस्ट चार्जेस। तो ये हमेशा कहाँ काम करेगा? जहां पर आवेश किस अवस्था में हो? विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब या तो दोनों विराम में हो, और अगर दोनों गतिमान हो तो दोनों नियत चाल से गतिमान हो, तो ऐसी स्थिति में उनके बीच कूलम्ब का नियम काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक विराम में हो और दूसरा गति करे और वहां कूलम्ब का नियम लग जाए, या दोनों अलग अलग चाल से गति करें और वहां पर कूलम्ब का नियम लग जाए, तब वहां कूलम्ब का नियम कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक, नेक्स्ट। अब ये हो गई बल की बात। इतनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस होती है बेसिकली, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाओ चाहे बोर्ड लेवल पे रहो, हर जगह इतनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस होती है रिलेटेड फ्रॉम द कूलम्ब लॉ। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ सबसे पहले आप इसमें डिस्कस करते हैं वैद्युत बल रेखाएं। क्या डिस्कस करी जाती है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? सब लोगों ने स्टैंडर्ड में स्टडी करा होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो स्टडी सब लोगों ने करा है कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा का सतत रूप से प्रदर्शन करती हैं। क्या होती हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र की दिशा का सतत रूप से प्रदर्शन करती हैं, उन्हीं रेखाओं को हम बोलते हैं क्या? वैद्युत बल रेखाएं। या हम ऐसी डिफिनेशन भी, एक साइंटिफिक डिफिनेशन बना सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, वैद्युत क्षेत्र के भीतर खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा का प्रदर्शन करे, ऐसे निष्कोण वक्र को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हीं से हम वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं दिखाते हैं। हमेशा कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी हुई तो हमें वैद्युत बल रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी। और दूसरी चीज, कहीं दिखाना हुआ वैद्युत क्षेत्र समान है कि असमान है, तो वहां भी हमें वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। बिना वैद्युत क्षेत्र के हम ये नहीं बता सकते कि बिना वैद्युत बल रेखाओं के हम ये नहीं बता सकते कि क्षेत्र एक समान है या क्षेत्र असमान है। जैसे अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज ये होल्ड करती है, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ रखा है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही थी।
ये कौन है जो स्क्रीन शॉट भेज रहा है, जरा इसका नाम बताओ या तो। अभिषेक शुक्ला सर। अभिषेक शुक्ला, चलो ठीक, अभी इससे बात करते हैं कुछ देर में। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज की बात करें, ये हुआ कहीं प्लस चार्ज, कहीं प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के लिए बताया गया कि वैध बल रेखाएं या वैध क्षेत्र रेखाएं आवेश से निकलती हैं और एक सरल रेखा पर ये अनंत की ओर चलती है। कैसी ज्यामिति होगी? अगर प्लस चार्ज है आपके पास, कोई भी हो, कैसा चार्ज हो प्लस, तो क्षेत्र रेखाएं हमेशा चार्ज से निकलेंगी और कहां जाएंगी? अनंत। और जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं होंगी या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, वही हो गई किसकी दिशा? वही हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक। तो अब देखो, इसके लिए अगर मान लो इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र पूछा गया, तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं कहां जा रही है? आवेश से दूर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई? आवेश से दूर की हो। किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए वो कोई मैटर नहीं है। जैसे ये पॉइंट पी है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, कहा गया यहाँ धन आवेश है और यहाँ पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकलेगी? अगर धन आवेश है तो वैद्युत बल रेखाएं आवेश से निकलेंगी, कहां जाएंगी? अनंत। जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं जा रही उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर कहीं नेगेटिव चार्ज हो तो नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव का जस्ट उल्टा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा भी पॉजिटिव की जस्ट उल्टी। उल्टी कैसे होंगी? धन आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कर रही थी? आवेश से निकल रही थी और अनंत पे जा रही थी। ऋण आवेश के लिए यही वैद्युत बल रेखाएं क्या करेंगी? अनंत से चलकर आवेश की ओर आएंगी। अनंत से चलकर कहां आएंगी? आवेश की ओर आती है। जैसे अग्रण आवेश है, कोई पॉइंट है मान लो क्यू, कहा जाए इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। दिशा होगी उल्टी चल रही है, अनंत से कहां जा रही है? आवेश की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई? अनंत से आवेश की ओर। तो धन आवेश है तो धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र आवेश से दूर की ओर, और ऋण आवेश है तो ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर। एक विशेषता हो गई। दूसरी चीज, ये रेखाएं जब भी चलेंगी हमेशा सरल रेखा पर चलेंगी, कभी भी रिज वक्र नहीं बनाएंगी या टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर नहीं चलेंगी। अब जिसे आप लोगों ने पढ़ा है ना, बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। अब इसमें सबसे पूछा जाए जरूरी ज्यादातर बच्चे कि क्या कारण है कि सजातीय हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय हमेशा आकर्षित। तो इसमें सबसे बड़ा कारण इन्हीं का होता है, बल रेखाओं का। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मान लो अभी हम यहां से देखें, केवल धन और ऋण ले लें, धन और ऋण ले लिया, बल रेखाएं ऐसी होंगी। अब कुछ बल रेखाएं धन से निकलेंगी और कहां आ जाएंगी? ऋण में, है ना। कुछ बल रेखाएं धन से आई ऋण में, कैसा वक्र बना? ये बना बंद वक्र। और अलेबंद में ही शायद प्रिंसिपल पढ़े होंगे या टेंथ में पढ़े होंगे कि जब कोई रेखा, चाहे वो वैद्युत बल रेखा हो, चाहे गुरुत्वीय बल रेखा हो और चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो, अगर बंद वक्र बनाएगी तो बल कैसा होगा? आकर्षण। कि वैद्युत बल रेखा है और अगर वो बल कैसा वक्र बनाए? बंद वक्र। तो बल कैसा हुआ? आकर्षण का। और अगर यही भी ये खुला वक्र बनाए तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। कैसे, उसको भी देख लो आप। जैसे मान लो दोनों हमने धन ले लिया, धन ले लिया तो अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा या रेखाओं की दिशा बदल गई।
आवेश से निकलकर कहां जाएंगे, ये अनंत की ओर। अब कुछ रेखाएं ऐसी होंगी जो ऐसे चलेंगी, इसकी ओर आना चाहेंगे, इसकी ओर आना चाहेंगी। तो एक प्रॉपर्टी टेंथ में बहुत मशहूर हुई थी, याद होगा कि दो या दो से अधिक बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। अगर प्रतिच्छेदित नहीं करती तो इसका मतलब जो एक दूसरे की ओर आएंगी तो एक दूसरे के प्रभाव के कारण एक दूसरे से दूर की ओर मुड़ जाएंगे। तो कैसा वक्र बना? खुला। कैसा वक्र बना? खुला वक्र। और खुला वक्र बना इसलिए, बल कैसा हुआ? प्रतिकर्षण। तो ये कारण है कि जो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश आकर्षित। आकर्षण प्रतिकर्षण का मुख्य कारण क्या हुआ? बायोट बल रेखाओं का खुला या बंद वक्र बनाना। जैसे ये खुला वक्र बनाएंगे तो बल कैसा लगा? प्रतिकर्षण का। बंद वक्र बनाएंगे तो बल कैसा लगा? आकर्षण का। तो ये कारण है कि जो सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करी जाए नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसी में आता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी तो आपने सीख ली कि धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं एक सरल रेखा पर निकलकर कहां जाएंगी? अनंत पर। ऋण आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर सरल रेखा पर कहां आएंगी? आवेश की ओर। हो गया। धन और ऋण ले लो तो धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलकर कहां आएंगी? ऋण आवेश पर। आकर्षण प्रतिकर्षण एक प्रॉपर्टी दिखा सकते हो कि अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाएंगी तो बल कैसा होगा? आकर्षण का। और एक खुला वक्र बनाएंगे तो बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये आती है कि वैद्युत बल रेखाएं तनी हुई डोरियों की भांति लचकदार हो जाती है। जैसे देख लो ये तनी हुई डोरियों की भांति क्या हुई? लचकदार। कि इनको कभी काटना नहीं है, काटना नहीं है तो दूर होना है, तो दूर होना है तो बिना लचक के दूर नहीं हो सकते। तो इसलिए वैद्युत बल रेखाएं तनी हुई डोरियों की भांति क्या होती है? लचकदार होती है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं जब भी आवेश के पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो ये हमेशा आवेश के पृष्ठ की कैसी होंगी? लंबवत। कोई भी सरफेस हो, जैसे ये पृष्ठ है तो हमेशा, अब ऐसा नहीं होगा कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसे निकली, कैसे निकलनी है? 90 डिग्री, हमेशा 90, यहां भी 90, यहां भी 90, हमेशा कैसी रहनी है? पृष्ठ के अभिलंबवत। बात समझ में आ रही थी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा कैसी रहनी है? पृष्ठ के अभिलंबवत रहनी है। और नेक्स्ट चीज, जैसे कोई गोलीय चालक है, जैसे कोई गोलीय चालक है तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक के भीतर प्रवेश नहीं करेगी। अगर ये धन आवेशित है तो चालक की विशेषता यह होती है कि जितना आवेश होता है वो उनके पृष्ठ पर, क्यों होता है अभी आगे के चैप्टर में डिस्कशन होगा। तो ये कभी भी जहां पे आवेश होगा वहीं पे रेखाएं होंगी, ऐसा नहीं है ये चालक है, चालक ऐसा नहीं है कि इस तरह का डायग्राम हम यहां पे नहीं बना सकते कि वैद्युत बल रेखाएं ऐसी हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। हमेशा बल रेखाएं कहां होंगी? पृष्ठ पर, चालक के भीतर ये कभी प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेक्स्ट जो आप लोगों ने पढ़ रखी है, पढ़ क्या रखा है? तो पढ़ ये रखा है टेंथ में कि दो या दो से अधिक क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर मान लीजिए प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिससे क्षेत्र की दो दिशा व्यक्त होगी, जो कि असंभव है। क्षेत्र की हमेशा कितनी दिशा हो सकती है? केवल और केवल एक। ठीक। नेक्स्ट, इतनी सारी प्रॉपर्टी हो गई किसकी? वैद्युत बल रेखा कहो या वैद्युत क्षेत्र रेखा कहो, दोनों का मतलब एक ही है। ऐसा नहीं कि वैद्युत बल रेखा अलग है, वैद्युत क्षेत्र रेखा अलग है। नेक्स्ट आते हैं हम, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते किसको है, और सब लोगों ने टेंथ में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोला किसको है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल चार्ज का कंसेप्ट रखते हैं जिसे हम कहते हैं परीक्षण आवेश,
मतलब क्या बोलते हैं, टेस्टिंग चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, दैट इज टेस्टिंग चार्ज। हिंदी में कहा जाता है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश की आवश्यकता क्यों पड़ेगी वो जान, क्योंकि मान जैसे अब वैद्युत क्षेत्र निकालना है किसी आवेश का, तो किसी आवेश का वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो इसके क्षेत्र में कोई एक ऐसा आवेश रखेंगे जिसका अपना कोई क्षेत्र हो ही ना, क्योंकि देखो क्षेत्र का मतलब जितनी दूरी तक वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो अगर हमें उसका पता लगाना है ना, तो यहां पे भी एक ऐसा आवेश रख दिया जाए जिसका इसका अपना कोई फील्ड ही ना हो। क्यों? क्योंकि अगर इसके पास फील्ड होगा तो दोनों फील्ड एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट देंगे ना, और तब हम आप बता नहीं सकते कि इसका फील्ड कहां तक था या इसका फील्ड कहां तक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए एक ऐसे आवेश की आवश्यकता पड़ी जिसके अंदर निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहली चीज, टेस्टिंग चार्ज क्या है, एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक आवेश है, पहली चीज काल्पनिक आवेश। दूसरी चीज, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में धन आवेश होता है, होता है। तीसरी चीज, इसका कोई क्षेत्र नहीं होता, इसका कोई क्षेत्र नहीं होता है। अब इसका कोई क्षेत्र नहीं होगा। चौथी चीज, यह किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगाता, यह किसी अन्य आवेश पर, आवेश पर बल आरोपित नहीं करता, आरोपित नहीं करता, परंतु करता है, परंतु अन्य आवेशों के द्वारा, आवेशों के द्वारा लगने वाले बल का, वाले बल का अनुभव करता। और लास्ट, जिसे हम क्यू नॉट से दिखाएंगे हमेशा, जिस आवेश के पास इतनी सारी विशेषताएं हो उस आवेश को हम क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश। फिर से सुन लो, एक बार सुन लो कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हमें कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होगी, वैद्युत क्षेत्र कहीं चाहिए, तो हमें एक ऐसे आवेश की आवश्यकता पड़ेगी या ऐसे काल्पनिक आवेश की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें इतनी विशेषताएं हों, तो ऐसे आवेश को हम बोलेंगे क्या, परीक्षण आवेश। पहली विशेषता है कि ये काल्पनिक होता है, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ये प्रैक्टिकल लाइफ में मिलता भी नहीं, हमें अपनी डिफिनीशन को सेटिस्फाइड कराना है इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। नहीं, कुछ लोग ये बोलेंगे जब होता ही नहीं तो जरूरत क्या है, क्योंकि हमें अपनी डिफिनीशन को सेटिस्फाइड कराना है इसलिए हमें ऐसे आवेशों की आवश्यकता पड़ती है। पहला काल्पनिक आवेश है, दूसरा अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में इस पे धन आवेश होता है। ठीक, सूक्ष्म मात्रा धन आवेश का मतलब जीरो आवेश तो नहीं होता, लेकिन जीरो से थोड़ा सा बड़ा, और कैसा होगा, धन। तीसरा, इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता। ठीक, चौथा, ये किसी अन्य आवेश पर बल नहीं लगा सकता, जैसे इसको हम किसी आवेश के कॉन्टेक्ट में रख दें ना, तो ये क्यू तो इस पे बल लगाएगा, लेकिन ये क्यू नॉट इस पर कोई बल नहीं लगाएगा, ठीक है ना। और चौथा, हम इसे किससे बताएंगे, क्यू नॉट से। तो इतनी सारी विशेषताएं होती है किसकी, टेस्टिंग चार्ज। और इसके बाद, टेस्टिंग चार्ज के बाद अब हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब टाइम आपका हो रहा है फिनिश। ठीक, तो 5 मिनट बाद जो है आपकी केमिस्ट्री क्लास चलेगी 7:45 से, फिजिक्स के लिए दैट्स ऑल।